करेला जितना स्वाद में कड़वा होता है उससे कहीं ज्यादा इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। हालांकि करेला की कड़वाहट के चलते इसका नाम सुनते ही लोग मुंह बनाने लग जाते हैं, लेकिन अगर इसको अपने नियमित आहार में शामिल कर लिया जाए तो ये आपको कई तरह के रोगों से बचाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र नियामतपुर में पिछले 20 वर्षों से तैनात गृह विज्ञान की एक्सपर्ट डॉक्टर विद्या गुप्ता ने बताया कि करेला में आयरन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, मैग्नीज, पोटेशियम, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट और हाइपोग्लाइसेमिक के साथ साथ कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। करेला में जीवाणुरोधी, एंटीवायरल और कैंसर रोधी गुण भी पाए जाते हैं। करेला का नियमित सेवन करने से अस्थमा, सांस संबंधित बीमारियां, हृदय रोग, किडनी, लीवर, पाचन तंत्र और आंखों की बीमारियां, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और बैड कोलेस्ट्रॉल जैसी तमाम समस्याओं से आपको ये निजात दिलाने में बेहद कारगर है। करेला की सब्जी खाने से शारीरिक कमजोरी भी दूर होती है। करेला खाने से ब्लड शुगर को ये नियंत्रित करता है। सहायापुर से लोकल 18 के लिए सिमरनजीत सिंह की रिपोर्ट। करेला हमारे लिए बहुत फायदेमंद सब्जी होती है। अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो हमें बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। साथ ही ये हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। करेले में आयरन, पोटेशियम, मैग्नीज, जिंक, मैग्नीशियम, ये सभी पोषक तत्वों के साथ साथ इसमें एंटीवायरल, एंटी बैक्टीरियल और हाइपोग्लाइसेमिक गुण भी होता है जो कि विभिन्न प्रकार की शारीरिक समस्याओं में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। यदि हम करेले का सेवन करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। विशेषकर ये डायबिटीज की समस्या में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता ही आ रहा है। और हम इसका सेवन करते हैं तो इस चूंकि इसमें हाइपोग्लाइसेमिक गुण होता है, साथ ही इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो और ये इसलिए ये वजन नियंत्रण और साथ ही डायबिटीज रोग में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर हम करेले का सेवन करते हैं तो हमें ये बहुत सारी शारीरिक समस्याएं जैसे श्वसन से संबंधी समस्या है, अस्थमा है, हृदय रोग है, एनीमिया है, ब्लड प्रेशर है और डायबिटीज़ है, इन सभी समस्याओं में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। करेले को हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हम आमतौर पे सब्जी बना करके प्रयोग कर सकते हैं। सब्जी भी कई तरीके से बनाई जा सकती है और इसको जूस के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही इसको सुखा करके हम इसका पाउडर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और सुखाने के बाद इसकी बाद में सब्जी भी बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर के करेला हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। यदि हम इसका प्रतिदिन सेवन करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। विशेषकर ये डायबिटीज़ और हृदय रोगियों के लिए और खून की कमी की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है।